हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि कंप्यूटर में, लैपटॉप में इमेज कैसे डाउनलोड करें, उस पर मैंने वीडियो बनाया है। तो आज हम सबसे पहले इमेज डाउनलोड करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले लेनो लैपटॉप है उसके क्रोम में जाएंगे। क्रोम में जाने के बाद में आपको आगे प्रक्रिया बताता हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। इसे चलिए हम आगे प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रोम में जाएंगे। क्रोम में जाने के बाद में इस तरह का ओपन हो जाएगा पेज। उसके बाद में आपको यहाँ पे कोई भी फ़ोटो हो यदि डाउनलोड करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे आपको सर्च करनी है। तो यहाँ पे मैंने कृष्णा नाम लिखा है। तो आपको यह पिक्चर सर्च करनी है तो इसको आप इंटर कर देना। फिर बाद में ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद आपको यहाँ ऊपर इमेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इमेज ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको इनमें बहुत ही जो अच्छी पिक्चर लगे वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस पिक्चर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में इस पे जाइए। यहाँ पे जाने के बाद जो सेकंड बटन है उस पे आप टैप कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कॉपी इमेज। तो आप यहाँ से कॉपी इमेज कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉपी कर लेना और उसके बाद में आप यहाँ पे पेस्ट कर देना। सेव इमेज पर कर देना। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे जो पिक्चर है वो सेव हो गई है, डाउनलोड हो गई, आपको दिखाई दे रही है। देखिए ये पिक्चर डाउनलोड हो गई है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमने जो पिक्चर डाउनलोड की थी वो यहाँ पे आ गई है। इस पिक्चर को आप यहाँ से बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। मैं आपको बैकग्राउंड चेंज करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर पिक्चर है, बहुत ही शानदार बैकग्राउंड भी हो गया है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इससे अगली बार मैं आपके लिए इससे भी बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा कुछ अलग सा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक करना ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही।